नमस्कार, ओएलआई न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। जिला हॉकी संघ द्वारा स्थानीय पुलिस ग्राउंड में जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में प्रतिदिन रोचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। वहीं आज खेले गए मैच में खिलाड़ियों के मध्य जीतने के लिए अच्छा संघर्ष देखा गया। वहीं फेडरस क्लब ने क्रिश्चियन क्लब को 2-1 से पराजित किया, जहां मैच के निर्णायक सफीउल्लाह खान, संजय करमरकर, संजीव सरवा, शारीरिक सिद्दीकी थे। जहां संजीव शारीरिक सिद्दीकी ने बताया कि आज खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन हेतु कांग्रेस परिवार के पंकज शुक्ला, पप्पू यादव, कोमल साहू, जावेद खान, एस कुमार पेंटर, आनंद सरेठा, राहुल मालवी व धीरज सूर्यवंशी, रमेश कुमार उपस्थित थे। वहीं सभी खिलाड़ियों ने शुभकामनाएं देते हुए आयोजन की सराहना की, जहां फ्रेंड्स क्लब के आयन खान व नईम खान ने 1-1 गोल किए, जबकि क्रिश्चियन क्लब से शोभित चांद ने स्कोर किया। जहां 21 मार्च को स्टार 11 विरुद्ध प्रिंस क्लब के मध्य खेला जाएगा। ओएनआई न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से रोहित मालवी की रिपोर्ट। जिला हॉकी संघ के 2 दिन बाद होली का त्यौहार देखते हुए 2 दिन बाद अब सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ है। आज हमारे हॉकी संघ में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री पंकज शुक्ला जी, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, श्री पप्पू यादव जी, कार्यकारी अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी, श्री कोमल साहू जी, श्री आनंद सरेठा जी, श्री एस कुमार पेंटर साहब, ये सभी आज मुख्य रूप से यहाँ उपस्थित हुए। और आज का जो रोमांचक मैच है वह फ्रेंड्स क्लब और क्रिश्चियन क्लब के बीच में है। दोनों ही टीमें अपने अपने पूल में बहुत अच्छा खेल रही हैं। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओएनआई न्यूज़ इंडिया।